तुम लोग ये भी देख लो, बारिश का आनंद और कौन ले रहा है। मैं साला कहाँ चला गया तू, तेरी मेरे को तो लगा था पहले कोई पत्ता पुत्ता बनना, अभी डड्डू है एंड छोटे छोटे तो डड्डू मैंने मतलब फ्रॉग मैंने पहले देख रखे, बट इतना यार ये सरदार डड्डू रंग बिरंगा सब पहली बार ही देखा। यार अगर ये जो है माइक्रोवेव का शीशा है ये थोड़ा सा साफ हो तो व्लॉग तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्यारा हो सकता है। अभी भी काफी हद तक भाई दिख ही रहा है, बट ये गंदा मतलब यार 11 साल पुराना माइक्रोवेव है, गंदा तो होना ही है। इसको भले ही मम्मी रोज इसकी डस्टिंग करते हैं अच्छे से कॉलिन से, बट तब भी ये साला कभी साफ नहीं हो सकता। एंड कभी कभार तो भाई मैं ये सोचता हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ कितनी ज्यादा खुश रहेगी, क्योंकि आधे ज्यादा खाना तो मेरे को बनाना आता ही है एंड अपने सैंडविचेस भी बन चुके हैं। यार थोड़ा सा और क्रिस्पी होने देता हूँ, चलने दे इसको, थोड़ा सा और ब्लॉग हो जाएगा उतनी देर में, कि भाई वो कितना ज़्यादा खुश होगी कि मेरे पति को तो खाना बड़े बढ़िया तरीके से बनाना आता है। एंड अभी इट्स ऑलमोस्ट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 7 बजे के करीब अपन लोग जाके ऑफिस की सफाई तो कराए थे, अपना बैकपैक हो चुका है, साथ ही साथ अभी अपन लोगों की ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो रही है, घर पे सफाइयां चल रही है, तो इस करके इस एंगल में ब्लॉग कर रहा हूँ। एंड भाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, ये एंगल भी आज इन्वेंट होना था 800 व्लॉग्स के बाद। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। यार कभी कभार ना मैं ना अपनी कुकिंग को ना अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ। जैसे कि आज मैंने वो ग्रिल सैंडविच खाए, एक बाइट ली कि सोचे एक बाइट एक मैं ऐसे ही खा लूंगा, एक का व्लॉग बना लूंगा। भाई साहब बाजारी ग्रिल सैंडविच एकदम फेल, इतने ज़्यादा यम कहने की हद नहीं। वैसे तो आज ईद भी है, तो हैप्पी ईद टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द लवली पीपल ऑफ द इंटरनेट। एंड तो आज कल की अपनी मार्केट तो बंद होएगी, बट चलो कोई ना, अपन लोग ऐसे थोड़े बहुत थोड़ी देर के लिए ऑफिस चलते हैं। उसके साथ साथ अपन लोगों ने अभी रस्ते में पेन ड्राइव भी उठानी है, साथ ही साथ एक लैपटॉप है उसमें अपन ने ऑफिस भी अपडेट कराना है, मतलब जो पप्पा वाला लैपटॉप है उसमें ऑफिस भी अपडेट कराना है। तो दो तीन छोटे मोटे काम है जो अपन लोगों ने निपटाने हैं, फटाफट चलते हैं क्योंकि बड़े तरीके से काम निपटाते हैं। तो आराम से ऑफिस में चल के क्या करेंगे, असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर लेंगे ऑफिस में चल के आराम से बैठ के। मतलब यहाँ पे जो असाइनमेंट कंप्लीट करने की बारी बारी है ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मजा, इतना ज्यादा प्रॉपर ऑफिस का माहौल एंड ओवरऑल जो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल चीज क्रिएट हो रही है। और मैं आगे लेटे चला तो मेरे सामने, हाँ अब जाकर मेरे चेहरे पे बूथ है, रोशनी अच्छी आएगी एंड ब्लॉक करने का भी मजा आएगा। अभी वो प्रॉपर नहीं आ रही, यहाँ पे खुलूंगा तब आएगी, पता नहीं जहां भी है ठीक है। अभी तो फिर अपन लोग पेपर बिन लेने जा रहे हैं, मतलब पेपर बॉक्स, सॉरी बिन्नी बॉक्स, जिसमें अपन लोग यहाँ पे पेपर स्टोर कर सकते हैं कंफर्टेबली बड़े प्यारे तरीके से। आधी असाइनमेंट मेरी हो चुकी है भाई, आधे घंटे में असाइनमेंट टक टक देके टाइप फटाफट हुई। एंड मेरे को लग रहा है यहाँ पे आके मेरी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ चुकी है, तो अभी फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से वो पेपर बॉक्स लेके आते हैं, चुपचाप आके अपने असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। पेन ड्राइव मैं ऑलरेडी ले आया था जिसमें मैंने असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो इसको भी बाद में जाकर सबमिट कर लूंगी, बट पहले कंप्लीट भी करेंगे। अभी जो है बाहर का मौसम भी काफी ज्यादा मस्त हो चुका है। मेरे हिसाब से मैं ना तुम लोगों को बाहर से अंदर की लुक नहीं दिखाई, एंड वो कुछ इस प्रकार की आ रही है। मतलब अभी तो ये खैर थोड़े बहुत ये बैनर बुनर से लग रखे हैं, जब ये उतर जाएंगे ना तब बाहर की लुक बड़ी प्यारी है। यही सेम पोस्टर मतलब वो फ्लेक्सेस ऊपर लगेंगी यहाँ पे। ऑफिस लगता साला बड़ा प्यारा है, खास करके तितली है दिल जीत लेती है हर बारी। अपन दोनों बाप बेटे चुपचाप अपना बैठ के काम कर रहे थे एंड अचानक से ना आउट ऑफ बारिश शुरू हो गई। वैसे बॉक्सेस जो अपन लोग लेके आने थे वो तो अपन लोग लेके आ चुके हैं। एंड भाई बाहर माहौल देखो, मतलब कितना ही पानी जम गया, भर गया, जमा नहीं सॉरी, पानी जमा हुआ तो बर्फ कहलाता है। एक बार देखो तो सही, चेक यार, अरे साला मेरे को लग रहा है तो पानी सूखते अपन लोग भर जा पाएंगे। पुंडी भी बेचारी धो गया, यहाँ पे भी पानी ठीक ठाक भाई इकट्ठा हो रखा है। अरे राम इतना सारा पानी।
भी देख लो बारिश का आनंद और कौन ले रहा है। मैं साला कहाँ चला गया तू तेरी, मेरे को तो लगा था पहले कोई पत्ता पुत्ता है, बट अब ये डड्डू है एंड छोटे छोटे तो डड्डू मैंने मतलब फ्रॉग मैंने पहले देख रखे बट इतना यार ये सारा डड्डू रंग बिरंगा सा पहली बार ही देखा तो उछल उछल के चला गया। बस ये ना को भी हमारे ऑफिस के अंदर ही घुसे, वैसे तो उधर को चला गया बर्तनों के नीचे, बट भाई कितना ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये। एक्सपेक्टेशन से वैसे काफी ज्यादा बढ़िया बारिश होगी आज, खासकर जब उस डड्डू को देखा ना। एंड ये मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है, इसको सेट करता हूँ हल्का सा, अभी लैग आना शुरू हो गया। नहीं आ रहा लैग, ये साला फोकस फोकस, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था भी एक्सपेक्टेशन से अभी ज्यादा बढ़िया बारिश होगी भाई, खासकर वो डड्डू जेड़ा दिख रहा था भाई, मतलब वो क्यूट भी था कहीं ना कहीं डिस्गस्टिंग भी था, बड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट तो मतलब इसको पहले सेट करने दो, हाँ अभी लेगा कम। अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 3 इन द आफ्टरनून एंड ऑफिस से घर अपन लोग वापस आ चुके हैं, मतलब मैं ऑफिस से घर वापस आ चुका हूँ क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख एंड थोड़ा सा आराम भी करना था। साथ ही साथ वहाँ पे देख लो तुमको एक हल्का सा पीला सा पैकेट दिख रहा होगा, वो मैगी का पैकेट है जो भी अपन लोग बनाएंगे, क्योंकि मम्मी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं घर आऊँगा एंड मेरे लिए खाना नहीं बना, सब्जी है फुलके भी हैं बट नहीं खाने का मन, थोड़ा ड्रामा भी जिंदगी में जरूरी है। तो अभी फटाफट चलते हैं, एक ही सही मैगी का पैकेट बताते हैं, बढ़िया तरीके से मैगी खाते हैं एंड फिर देखते हैं कि शाम में दोबारा से ऑफिस जाना होगा, चल पड़ेंगे अपन लोग। फाइनली जैसे तैसे करके अपनी मैगी तो बन के तैयार हो चुकी है एंड भाई मेरे रूम में भी पप्पा सो रहे हैं, बाकी उधर रूम में दीदी और मतलब मेरी कज़न सो रही है, यहाँ पे मम्मा सो रहे हैं, तो अपन लोगों के पास ड्राइंग रूम के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचती, चुपचाप वहीं चलते हैं, वहीं बैठ के आराम से खाते हैं। एंड भाई यहाँ पे ही देख लो साली मैगी की क्या ही एस्थेटिक लुक आ रही है, मतलब भाई ऐसा लग रहा है जैसे 5-स्टार होटल में, बस इसको दीवार को इग्नोर कर रहे हैं, ये थोड़े दिनों की बात है उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगी, बट तब तक के लिए भाई क्या ही सही लुक आ रही है, जैसे पता नहीं किसी 5-स्टार होटल में खा रहे हो, क्योंकि एक कल्ला लैंप चला रखा और कोई कमरे की लाइट नहीं हो रहा ड्राइंग रूम की। ये बंदा ना मेरे हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि मेरा ऑटो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा एंड अभी यू टर्न लेगा, मतलब यहाँ तक लेके आना ही ज़रूरी था, नहीं जा पाएगा भाई नहीं जा पाएगा। हाँ खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 7:30 इन द इवनिंग एंड आई डोंट नो लास्ट फ्रेम क्या था, अच्छा लास्ट फ्रेम तो मैगी का था। एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी मैं और दीदी जा रहे हैं जरा मार्केट मोमोस लाने के लिए एंड यहाँ पे डॉगी वॉक वॉक कर रहे हैं, ये हमारे पीछे भी पड़ेंगे, पक्की बात है हमारे पीछे पड़ेंगे, नहीं पड़े चलो बढ़िया है, नहीं पड़े जो पड़ जाते फिर दिक्कत होती। एंड अभी अपन लोग जैसे मैं तो लोग बताया मैं और दीदी जा रहे हैं 67 पंचकूला लेने के लिए मोमोज और स्पिनकल, जो हमारे खाने का ठीक ठाक मन कर रहा था, थोड़ा बहुत चलते हैं, चलते चल के बढ़िया तरीके से पैक कराते हैं, मोमो स्प्रिंग रोल खाते हैं, तो घर जाके 11 बजे के करीब जब मामू और आएंगे तब डिनर भी करना है, डिनर लेट ही करके भी अपन लोग मोमो स्प्रिंग रोल लेके जा रहे हैं।